साइमल्टेनियसली हम एनसीईआरटी के भी सेलेक्टेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जैसे क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड लास्ट 5 to 10 ईयर में एनसीईआरटी के ये क्वेश्चन या इन पर बेस्ड क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में अगर पूछे गए हैं, वैसे तो कॉम्पिटिटिव लेवल पर भी ऐसे क्वेश्चन या एनसीईआरटी के सिमिलर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उन सेलेक्टेड क्वेश्चन को हम डिस्कस करना चाहेंगे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम, सेलेक्टेड क्वेश्चन। और रिसेंटली अगर हमने डिस्कस किया है नाइट्रोजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, तो वहीं से हमें शुरू करना चाहिए। नाइट्रोजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, क्वेश्चन नंबर वन, क्लासिफाई फॉलोइंग अमाइंस, बड़ा इजी वाला क्वेश्चन है। क्लासिफाई फॉलोइंग अमाइंस एज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइंस। प्राइमरी अमाइन मीन्स 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन एंड 3 डिग्री अमाइन। फर्स्ट पार्ट है दिस वन, देखिए एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बहुत इजी वाला। क्लासिफाई फॉलोइंग अमाइंस एज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइन, मींस 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइन। सीधे सीधे हम जानते हैं जब फंक्शनल ग्रुप NH2 है तो वो 1 डिग्री या प्राइमरी अमाइन है, 2 फ्री वैलेंसी NH। जब NH फंक्शनल ग्रुप है तो 2 डिग्री या सेकेंडरी अमाइन है, और जब 3 ग्रुप से बॉन्डेड है, अल्काइल ग्रुप से बॉन्डेड है, नाइट्रोजन अल्काइल या अराइल ग्रुप से बॉन्डेड है नाइट्रोजन, तो ये 3 डिग्री अमाइन है। ये देखिए क्या है फंक्शनल ग्रुप, सिंगल बॉन्ड NH2, कौन सा अमाइन, 1 डिग्री और प्राइमरी अमाइन। ये देखिए फंक्शनल ग्रुप क्या है, NH2 है, NH है या N है, फंक्शनल ग्रुप N है, फंक्शनल ग्रुप N है मतलब 3 डिग्री और टर्शरी अमाइन। ये देखिए क्या है फंक्शनल ग्रुप, NH2, कौन सा अमाइन, 1 डिग्री और प्राइमरी अमाइन। ये देखो फंक्शनल ग्रुप पे ध्यान दो आप, तो NH कौन सा अमाइन है, 2 डिग्री और सेकेंडरी अमाइन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम NCERT इज राइट डाउन स्ट्रक्चर ऑफ ऑल पॉसिबल आइसोमेरिक अमाइंस ऑफ मॉलिकुलर फॉर्मूला C4H11N। इसी क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है राइट डाउन IUPAC नेम्स ऑफ ऑल द आइसोमर, और थर्ड पार्ट है गिव द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म एग्जिबिट्स बाय दिस आइसोमर्स। तो इसके आइसोमर्स लिखने के लिए हम क्या करेंगे, पहले सारे प्राइमरी वाली NH2 वाले अमाइंस हम लिख लेंगे इस मॉलिकुलर फॉर्मूले के। तो IUPAC नेम भी साइमल्टेनियसली लिखना है, CH3CH2CH2CH2NH2। ये पहला 1 डिग्री अमाइन है, क्या नाम है इसका, IUPAC नेम होगा ब्यूटेन 1 अमाइन। फिर मैंने NH2 को सेकेंड पोजीशन पर ले लिया, तो ये क्या बन गया, ब्यूटेन 2 अमाइन। और मैं पहले सब NH2 वाले प्राइमरी अमाइन लिख रहा हूँ, थर्ड वाले में मैंने एक मिथाइल ग्रुप ले लिया सेकेंड पोजीशन पर, मतलब IUPAC नेम मिला 1, 2, 3, 2 मिथाइल प्रोपेन अमाइन, प्रोपेन 1 अमाइन, 2 मिथाइल प्रोपेन 1 अमाइन। फिर मैंने NH2 और मिथाइल ग्रुप को ब्रांच के फॉर्म में ले लिया, IUPAC नेम मिला 2 मिथाइल प्रोपेन 2 अमाइन। ये सब 1 डिग्री वाले पॉसिबल थे 4। अब मैंने 2 डिग्री वाला लिया CH3NH, और ये नॉर्मल प्रोपाइल 3 कार्बन एटम वाली स्ट्रेट चेन ले ली। IUPAC नेम क्या होगा, IUPAC नेम हमने डिस्कस किया है, जहां पर नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा है उसको फंक्शनल ग्रुप के साथ लिखा जाएगा। इसका IUPAC नेम बना N मिथाइल प्रोपेन 1 अमाइन। ठीक है, ये क्या है, 1, 2, 3 N मिथाइल प्रोपेन 2 अमाइन, N मिथाइल प्रोपेन 2 अमाइन। और ये क्या है, N मिथाइल इथेन अमाइन, और ये टर्शरी अमाइन। यहां पर फंक्शनल ग्रुप को इथाइल के साथ लिखोगे जिसमें कार्बन एटम ज्यादा है। IUPAC नेम क्या बना, NN डाई मिथाइल इथेन अमाइन।
So there are total 8 possible isomers of molecular formula C4H11N. अब इनमें टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म लेना है. तो टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म में देखिए कुछ आइसोमर यहां लिख देते हैं हम. ये फर्स्ट वाला देखो और ये थर्ड वाला देखो. फर्स्ट और थर्ड में क्या लगता है आपको कौन सी आइसोमेरिज्म होनी चाहिए? फर्स्ट और थर्ड में दोनों 1 डिग्री अमाइन है, लेकिन ये नॉर्मल चेन है और ये आइसो चेन है, तो मैं कह सकता हूं चेन आइसोमर है. मैं सारे आइसोमर नहीं लिख रहा हूं, मैं कुछ कुछ आइसोमर के बारे में बता रहा हूं कि फर्स्ट और थर्ड जो है वो चेन आइसोमर है. यहां फिर 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री आपस में, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री आपस में फंक्शनल आइसोमर है. तो एक कोई भी 1 डिग्री अमाइन ले लो आप, या आपने ले लिया फर्स्ट, एक 2 डिग्री ले लो, या आपने ले लिया फोर्थ, और एक 3 डिग्री ले लो एट्थ. और मैं ये देखूं कि फर्स्ट फिफ्थ और एट्थ में आपस में कौन सा आइसोमरिज्म है, तो एक 1 डिग्री है, एक 2 डिग्री है, एक 3 डिग्री है, तो मैं कह सकता हूं ये आपस में फंक्शनल आइसोमर है. कोई भी एक 1 डिग्री अमाइन ले लो, एक 2 डिग्री अमाइन ले लो, एक 3 डिग्री अमाइन ले लो, वो आपस में क्या है? फंक्शनल आइसोमर. और 2 डिग्री अमाइन आपस में, ये देखो ये 2 डिग्री अमाइन, ये 2 डिग्री अमाइन और ये 2 डिग्री अमाइन, ये आपस में कौन सा आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं? फिफ्थ सिक्स एंड एट्थ. जिनमें सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो, सेम फंक्शनल हो, फंक्शनल ग्रुप हो, सभी 2 डिग्री है, लेकिन अल्काइल ग्रुप डिफरेंट मिल रहे हैं, मेटामर्स. तो फिफ्थ सिक्स और सेवेंथ आपस में मेटामेरिज्म शो कर रहे हैं. हाँ, पोजीशन में आप ले सकते हो ना, पोजीशन आइसोमर भी ले सकते हो. पोजीशन आइसोमर अगर आपको लेना है, पोजीशन आइसोमर में इन दोनों को ही देखो आप, इन दोनों में क्या है? फर्स्ट और सेकंड में पोजीशन आइसोमरिज्म. और भी आइसोमर पॉसिबल है, मैंने केवल ये बताने की कोशिश की है कि पोजीशन, चेन, फंक्शनल और मेटामेरिज्म, इस 4 टाइप की आइसोमेरिज्म यहां पर है. और कुछ मैंने एग्जांपल लिखे हैं, और भी हो सकते हैं आइसोमर आपस में, कुछ सेलेक्टेड मैंने यहां पर लिखे हैं. बेंजीन इनटू एनिलीन, दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी. राइट डाउन फॉलोइंग कन्वर्जन्स. फर्स्ट पार्ट, बेंजीन इनटू एनिलीन. सेकेंड, बेंजीन इनटू एनएन डाइमिथाइल एनिलीन. थर्ड वन, टेट्रा मिथाइलिन. CH2 ग्रुप को हम मिथाइलिन ग्रुप कहते हैं. टेट्रा मिथाइलिन क्लोराइड या टेट्रा मिथाइलिन डाइक्लोराइड इनटू हेक्सेन 1,6-diamine. ये कन्वर्जन आपको लिखना है. समझें ध्यान से, कन्वर्जन बिल्कुल प्योरली प्रैक्टिस वाला पार्ट होता है. जितने ज्यादा क्वेश्चन कन्वर्जन के हम अटेम्प्ट करते हैं, उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है और हम करेक्टली क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाते हैं. तो बेंजीन इनटू एनिलीन, ये देखो बेंजीन इनटू एनिलीन, ये है बेंजीन और इससे आपको प्रोड्यूस करवाना है एनिलीन. बेंजीन से एनिलीन का कन्वर्जन, बेंजीन से डायरेक्टली एनिलीन. हमने जो रिएक्शन डिस्कस की है उस पर हम थिंक करें कि हमने कौन कौन से रिएक्शन से एनिलीन बनाया था. तो बेंजीन से तो प्रोड्यूस नहीं हुआ था. फिर एनिलीन बनाने के लिए सबसे कॉमन मेथड क्या था? नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन करवाया था. यस, नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन अगर होता है तो एनिलीन प्रोड्यूस होता है. इसका मतलब क्या बेंजीन को नाइट्रोबेंजीन में कन्वर्ट किया जा सकता है? इजीली किया जा सकता है. कैसे? बाय नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन. ये देखिए, ये लो सॉल्यूशन. ये बेंजीन आपने लिया, नाइट्रेशन आप करवा रहे हो. नाइट्रेशन का मतलब होता है कंसंट्रेटेड HNO3 से रिएक्शन, याद आया? और नाइट्रेशन करवाने के लिए आपको कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस चाहिए. बोलो, 333 केल्विन मिनिमम रिक्वायर्ड यहाँ टेम्परेचर है. याद रहे तो ठीक है, अदरवाइज हीट का साइन दिखा दो. ये बेंजीन से H+ रिलीज हुआ, OH- से कंबाइन हुआ,
वाटर रिलीज हुआ नाइट्रो ग्रुप का एडिशन बेंजीन रिंग पर, हो गया नाइट्रेशन, तो ये फॉर्म हो गया नाइट्रोबेंजीन। अब नाइट्रोबेंजीन को मैं रिड्यूस करवा दूंगा, वी हैव सो मेनी चॉइस, बहुत सारी चॉइस है मेरे पास रिडक्शन करवाने के लिए। कैसे? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है मेरे पास, Fe प्लस HCl है, और कॉमनली यूज Sn प्लस HCl भी है, तो Sn प्लस HCl से मैं रिड्यूस करवा रहा हूं। ऑक्सीजन यहां से रिमूव होगा, वाटर प्रोड्यूस करेगा, और नाइट्रोजन की वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए उस पर हाइड्रोजन का एडिशन हो जाएगा। ये प्रोडक्ट फॉर्म हो गया आपका C6H5NH2 एनिलीन। ये हमने कन्वर्ट कर दिया बेंजीन को एनिलीन। दिस इज द कन्वर्जन, कन्वर्जन नंबर टू, बेंजीन का कन्वर्जन NN डाइमिथाइल एनिलीन में। बेंजीन का कन्वर्जन फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं, NN डाइमिथाइल एनिलीन में। तो इस कन्वर्जन में सबसे पहले तो बेंजीन को एनिलीन में ही कन्वर्ट कर लो, रिएक्शन आपके सामने है, हमने बेंजीन को कन्वर्ट कर लिया है एनिलीन में, ठीक है। अब यहां से मैं आगे प्रोसीड करूंगा, अब क्या करना है, अब मिथाइल आयोडाइड से रिएक्शन में करवाता हूं। एच रिलीज होगा, आयोडीन से कंबाइन होगा, एच आई प्रोड्यूस हुआ, एच आई रिलीज हुआ, और एक मिथाइल का एडिशन। क्या प्रोड्यूस हो गया? एन मिथाइल एनिलीन, एन मिथाइल एनिलीन, फिर से मिथाइलेशन हुआ, इसका मतलब मिथाइल आयोडाइड मैंने एक्सेस अमाउंट में यूज किया है, राइट, एक्सेस अमाउंट में मिथाइल आयोडाइड मैंने यूज किया है। फिर से एच रिप्लेस होगा, आई से कंबाइन होगा, एच आई रिलीज हुआ, और एक मिथाइल ग्रुप का एडिशन नाइट्रोजन पर, फाइनल प्रोडक्ट हमें मिला दिस वन। NN डाइमिथाइल एनिलीन। यहां पर आप एक स्टेटमेंट भी लिख सकते हो इस रिएक्शन में, देखो ये कौन सी रिएक्शन है, हाइड्रोजन सब्सिट्यूट हो रहा है किससे, CH3 प्लस से, मतलब ये जो रिएक्शन है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्सिट्यूशन है। क्या एनिलीन न्यूक्लियोफिलिक सब्सिट्यूशन रिएक्शन शो कर सकता है एरोमेटिक कंपाउंड होते हुए? हाँ, नोट द पॉइंट कि एनिलीन, ऑल्दो एनिलीन इज एरोमेटिक कंपाउंड, बट इट कैन एग्जिबिट न्यूक्लियोफिलिक सब्सिट्यूशन रिएक्शन, एंड दिस इज कॉल्ड एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन। इसको हम इतने स्टेप को क्या कहेंगे, एनिलीन से ये जो प्रोडक्ट मिला इसको हम कहते हैं एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन। जब हमने एक्सेस में मिथाइल आयोडाइड लिया तो ये एलिफेटिक कंपाउंड की तरह, एलिफेटिक अमाइन की तरह न्यूक्लियोफिलिक सब्सिट्यूशन रिएक्शन एग्जिबिट कर रहा है, इसको हम कहेंगे एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन। एनिलीन से ये प्रोडक्ट बनना एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन है, एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन। ये देखिए, समझे ध्यान से, इस कन्वर्जन में, कन्वर्जन नंबर थ्री, टेट्रामिथाइलिन क्लोराइड से हमें हेक्सेन 16 डायमाइन प्रोड्यूस करवाना है। हेक्सेन 16 डायमाइन अग्री करते हो, यही होगा CH2 होल 6 NH2 NH2, मानते हो यही होगा, यही है ना, CH2 सिक्स कार्बन एटम की चेन है और दोनों एंड पर NH2 NH2 है, यह है हेक्सेन 16 डायमाइन। मतलब इस कन्वर्जन में सबसे पहले आपका अटेंशन यह जाना चाहिए कि कन्वर्जन जो है वो होमोलोगस वाला कन्वर्जन है। क्या होमोलोगस मतलब? जितने कार्बन वाला रिएक्टेंट है उतने ही वाला प्रोडक्ट हो। तीन बातें दिमाग में रखनी पड़ती है कन्वर्जन में, क्या होमोलोगस वाला है, जितने कार्बन वाला रिएक्टेंट उतने ही वाला प्रोडक्ट, या फिर क्या असेंडिंग सीरीज का एग्जांपल है जिसमें कार्बन एटम इंक्रीज हो जाते हैं रिएक्टेंट से ज्यादा कार्बन वाला प्रोडक्ट मिलता है, या डिसेंडिंग वाला एग्जांपल है जिसमें रिएक्टेंट से कम कार्बन वाला प्रोडक्ट मिलता है। तो आप पहले डिसाइड करोगे कन्वर्जन से पहले, तो 4 कार्बन एटम वाला रिएक्टेंट है और 6 वाला प्रोडक्ट है, इसका मतलब असेंडिंग का एग्जाम्पल है। अब असेंडिंग का एग्जाम्पल अगर है तो यहां पर समझे ध्यान से, ये हेलो अल्केन हेलो एरिन की केमिकल रिएक्शन है। यहां पर सबसे अच्छा तरीका होता है हेलोजन को CN से रिप्लेस कर दो CN ग्रुप से, तो कार्बन इंक्रीज हो जाएंगे। तो मैं यहां पर KCN ले रहा हूं, पोटेशियम साइनाइड, तो हेलोजन यहां से रिप्लेस हो जाएगा, और जहां से हेलोजन रिप्लेस होगा वहां एडिशन किसका होगा, CN माइनस का। तो मैंने अपना पर्पस सॉल्व कर लिया, नंबर ऑफ कार्बन एटम मैंने इंक्रीज करा दिए, ये देखो
दोनों एंड पर सी एन सी एन। अब सिक्स एटम वाला कंपाउंड आ चुका है मेरे पास। अब क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे सी एन को एन एस टू में कन्वर्ट कर दिया जाए? ऑफकोर्स है, साइनाइड के रिडक्शन से 1 डिग्री अमाइन प्रोड्यूस होता है, हमने पढ़ा है। निकल हाइड्रोजन कॉम्बिनेशन चाहे मैं ले लूं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लूं, या एक सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट भी है मेरे पास, सोडियम डिजोल इन एल्कोहल, सोडियम डिजोल इन इथेनॉल। अब क्या होता है, सोडियम इथेनॉल में डिजोल्व होने के बाद हाइड्रोजन प्रोड्यूस करता है, फ्री हाइड्रोजन, और वो फ्री हाइड्रोजन से रिडक्शन होता है, मतलब फ्री हाइड्रोजन का एडिशन होता है। फ्री हाइड्रोजन का एडिशन कहाँ होता है? अनसेचुरेटेड एटम पर। अनसेचुरेटेड एटम ये है कार्बन, टू हाइड्रोजन का इस पर एडिशन, टू हाइड्रोजन का इस पर, टू हाइड्रोजन का इस पर एडिशन, टू हाइड्रोजन का इस पर। बोलो क्या प्रोडक्ट फॉर्म हो गया? सी एच टू एन एच टू, सी एच टू होल फोर, सी एच टू एन एच टू हो गया प्रोड्यूस। हेक्सेन 16 डायमाइन, और इस पर्टिकुलर रिएक्शन में ये भी मेंशन कीजिए, स्पेसिफाई कीजिए, इस पर्टिकुलर रिएक्शन को क्या कहते हैं, इस रिडक्शन को जिसमें साइनाइड रिड्यूस होता है अमाइन में 1 डिग्री अमाइन में, क्या कहते हैं? मेंडियस रिडक्शन। बोर्ड एग्जाम में आंसर लिखने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि जितनी अच्छी आंसर की भी जो है पेपर करेक्शन करने वाले टीचर को ना दी गई हो, उससे अच्छा आंसर आपको करना आना चाहिए। दिस इज द वे। ये एनसीईआरटी का बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कंपटीशन में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बेसिक स्ट्रेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर आपको अरेंज करना है इन तीनों में, उसके लिए सीधा सीधा लॉजिक है कि एक्वस सॉल्यूशन में बेसिसिटी का ऑर्डर क्या होता है, अमोनिया उससे ज्यादा बेसिक 3 डिग्री, फिर 1 डिग्री, देन 2 डिग्री अमाइन होता है, ये बेसिसिटी का ऑर्डर है। एरोमेटिक अमाइन में रेजोनेंस होता है, रेजोनेंस इफेक्ट, इसलिए उनकी बेसिसिटी एलिफेटिक से कम होती है। जितने ज्यादा कार्बन एटम इंक्रीज होते चले जाते हैं अमाइन में, प्लस आई इफेक्ट की वजह से बेसिसिटी उतनी ही इंक्रीज होती है। और वेपर फेज कंडीशन में ये ऑर्डर चेंज हो जाएगा। वेपर फेज कंडीशन में क्या ऑर्डर होना चाहिए? वेपर फेज कंडीशन में ऑर्डर होगा अमोनिया उससे ज्यादा बेसिक 1 डिग्री, उससे ज्यादा 2 डिग्री, उससे ज्यादा 3 डिग्री। क्यों? क्योंकि वेपर फेज कंडीशन में केवल प्लस आई इफेक्ट होता है, हमने डिस्कस किया था। और यहां पर एक्वस सॉल्यूशन में 3 इफेक्ट होते हैं, कौन कौन से? प्लस आई इफेक्ट, स्टेरिक हिंड्रेंस एंड हाइड्रेशन एनर्जी इफेक्ट। अब मैं यहां ऑर्डर अरेंज करने जा रहा हूं। इस ऑर्डर में ये एक्वस सॉल्यूशन है, जब मेंशन नहीं किया इसका मतलब एक्वस सॉल्यूशन में आपको ऑर्डर बताना है। और यहां मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस ऑर्डर का एक एक्सेप्शन भी है। कौन सा वाला? जब C2H5 ग्रुप हो, और वही केस आपको दिया भी हुआ है। अब एक्सेप्शन क्या है मैं समझाता हूं। चलिए सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि अमोनिया की बेसिसिटी सबसे कम है, होगी? अमोनिया की बेसिसिटी सबसे कम है, अमोनिया लेस बेसिक है, अमोनिया से ज्यादा बेसिक है एरोमेटिक, तो एनिलीन मैंने ले लिया C6H5NH2। उससे ज्यादा बेसिक ये भी एरोमेटिक है, लेकिन एक कार्बन इंक्रीज हो गया है यहाँ C6H5 बेंजीन पर, डायरेक्टली NH2 बॉन्डेड नहीं है, एक कार्बन एटम बढ़ गया है, तो इसका प्लस आई इफेक्ट ज्यादा है, और प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होने से इसकी बेसिसिटी इंक्रीज हो जाएगी। बेंजाइल अमाइन इज मोर बेसिक देन एनिलीन, उससे ज्यादा बेसिक बेंजाइल अमाइन है C6H5CH2NH2 एंड देन। अब क्या होना चाहिए? ये आपका 1 डिग्री अमाइन है और ये आपका 2 डिग्री अमाइन है, तो अब होना चाहिए 1 डिग्री अमाइन C2H5NH2, और उससे ज्यादा बेसिक होना चाहिए 2 डिग्री अमाइन C2H5 होल ट्वाइस NH। ये एक्सेप्शन वाला केस है, यहां पर जो ऑर्डर मिलना चाहिए उससे अलग हट करके ऑर्डर मिलता है, याद रख लें आप। इस ऑर्डर में मिस्टेक हुआ है, अमोनिया इज एरोमेटिक अमाइन से अमोनिया ज्यादा बेसिक है, राइट? तो ये आप लोगे C6H5CH2NH2 एंड देन एनिलीन C6H5NH2। सेकेंड वाला केस एक्सेप्शन वाला केस है, समझेंगे ध्यान से। एक्सेप्शन क्यों है ये समझिए।
सबसे पहले तो आप मेंशन कर लो वन डिग्री अमाइन, टू डिग्री अमाइन, थ्री डिग्री अमाइन एंड ये एरोमेटिक। अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझें, यहां एक्सेप्शन कौन सा वाला है। वैसे तो नॉर्मली एक्वा सॉल्यूशन में होता क्या है, वन डिग्री थ्री डिग्री से ज्यादा बेसिक है, लेकिन जब इथाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है ये एक्सेप्शन वाला केस है, याद रखना। इसमें थ्री डिग्री अमाइन की बेसिसिटी वन डिग्री से ज्यादा मिलेगी, ये एक्सेप्शन वाला केस आपको याद रख लेना है। यहां ऑर्डर इससे डिफरेंट है, तो ऐसा क्वेश्चन कॉम्पिटिशन के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब सबसे पहले मैं कहूंगा एरोमेटिक अमाइन एलिफेटिक से लेस बेसिक है, इवन अमोनिया से भी लेस बेसिक है एरोमेटिक अमाइन। तो सबसे पहले हमने लिखा C6H5NH2 एनिलीन एरोमेटिक, उससे ज्यादा बेसिसिटी इन सब एलिफेटिक की होगी। अब 2 डिग्री तो हाईएस्ट है मैं जानता हूं, वैसे नॉर्मली एक्वा सॉल्यूशन में 1 डिग्री अमाइन 3 डिग्री से ज्यादा बेसिक होता है, लेकिन ये एक्सेप्शन वाला केस है इथाइल ग्रुप होने पर। तो 1 डिग्री अमाइन यहां पर लेस बेसिक है 3 डिग्री से, C2H5NH2 उससे ज्यादा बेसिक, 3 डिग्री अमाइन C2H5 होल थ्राइज एन, और हाईएस्ट बेसिक हुआ 2 डिग्री C2H5 होल ट्वाइज NH 2 डिग्री अमाइन। अब ये देखो यहां पर क्या एक्सेप्शन वाला केस है, बिल्कुल नहीं, यहां एक्सेप्शन नहीं है। सीधे सीधे आप तो इस पे बात कीजिए, ये दो एरोमेटिक हैं और ये तीनों एलिफेटिक हैं। तो एरोमेटिक की बेसिसिटी एलिफेटिक से कम, सबसे कम एनिलीन है यहां। अब इसमें एक कार्बन एटम इंक्रीज हुआ तो प्लस आई इफेक्ट हो रहा है, और प्लस आई इफेक्ट होने की वजह से बेसिसिटी इंक्रीज हो गई, एनिलीन से ज्यादा बेसिक हो गया ये बेंजाइल अमाइन। अब ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री, नॉर्मल ऑर्डर फॉलो होगा यहां, ये कोई एक्सेप्शन वाला केस नहीं है, नॉर्मल ऑर्डर फॉलो करो। बोलो नॉर्मल ऑर्डर, सबसे कम एलिफेटिक में 3 डिग्री है, उससे ज्यादा 1 डिग्री है, और हाईएस्ट बेसिक 2 डिग्री है। इज द ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ अमाइन।